अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स विद एन अदर पॉलीनोमियल्स कैसे सॉल्व करते हैं। लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये है p ऑफ x इक्वल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, इसको डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलीनोमियल से x से, सपोज कि g ऑफ x। ये क्या है? ये डिविडेंड, डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, और ये है डिवीजन। आ जाते हैं किस तरह से सोल्व करते हैं इसको पॉलीनोमियल्स को। 3x 3 पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x डिवाइड करना है हमें x के साथ। क्या कैसे करते हैं? सबसे पहले कि ये जो कोएफिशिएंट है ये क्या लेंगे, इसके इसको और इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मीन x क्यूब को डिवाइड करेंगे इस डिवीजर के साथ, फर्स्ट वाले x क्यूब डिवाइड करें x के साथ, यहाँ से x एक खत्म हो जाएगी, एक यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो क्या आया x स्क्वायर आया। मेन कोएफिशिएंट में क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे। x स्क्वायर यहाँ पे रख के अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवीजर के साथ, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब, ये हो गया x क्यूब। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो आ गया, अब ये यहाँ पे नीचे रखेंगे प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, सेम इस पैटर्न से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है इसके साथ। तो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है x के साथ, ये x यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक यहाँ से खत्म हो जाएगा, अभी डिवाइड रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा, अभी प्लस में बनेगा, ये प्लस में, ये तो प्लस 3x यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, 3x जो कोएफिशिएंट है इसको लेकरेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवीजर के साथ, ये क्या हो जाएगा, 3x इनटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सेम है, सबट्रैक्ट करेंगे यहां से, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो बन गया। अब क्या करेंगे, यहां से x लेके आएंगे नीचे, प्लस x रखेंगे। अब क्या करेंगे, सेम है पैटर्न से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, x के साथ, x स्क्वायर x के साथ, तो क्या आ जाएगा, x x में कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 1। क्या करेंगे, अब क्वेश्चन फिर रखेंगे क्वेश्चन की जगह, ये हो गया 1। अब क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवीजर के साथ, आंसर क्या आएगा, जस्ट x आ जाएगा, 1x into x, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 0। हमारा रिमाइंडर कितना है, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोएफिशिएंट, मीन आंसर कितना है, आंसर आया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा आंसर बन गया, इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया। क्लियर हो गया? इस तरीके से क्या करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं। गाइस आप लोग जानते हैं, एक दूसरा एग्जांपल करते हैं इसी का डिवीजन को, जैसे कि p ऑफ x है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसको डिवाइड करना है हमें g ऑफ x x प्लस 1 के साथ, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सेम पैटर्न से क्या करेंगे, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्या है, डिविजर है, रखेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस लेते हैं, प्लस 2 लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, सेम इस यहां पर रखेंगे x प्लस 1। अब इसका जो वेरिएबल है वो लेंगे, ये फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला, इसको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, x क्यूब को डिवाइड करना है x के साथ, x x में कैंसिल हो गए तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर आंसर आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कोएफिशिएंट बन जाएगा, यहां पे रखेंगे क्वेश्चन x स्क्वायर, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ। ठीक है, x इनटू x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब, और x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप क्या करेंगे, ये हो गया कट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। सर हमने अलजेब्रा में सीखा था कि सेपरेट का रूल होता है कि नीचे वाले से जो डिजिट्स होते हैं और उनकी सिंबल्स चेंज करते हैं, ये दोनों माइनस के तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा, सेम एस ये भी यहाँ पर रख सकते हैं, प्लस एक्स प्लस 2। क्लियर होगा? अब क्या करेंगे, ये डिजिट लेके इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस 4 लेंगे एक्स स्क्वायर और लेंगे एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गए तो क्या है, माइनस 4 अपॉन एक्स, ओ सॉरी माइनस 4x, माइनस 4x क्या करेंगे इसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन रखेंगे माइनस 4x। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें इस पूरे के साथ, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये बन जाएगा
4x into x हो जाएगा 4x square. सेम पैटर्न से इसके साथ में मल्टीप्लाई करें, प्लस इनटू माइनस ये हो गया माइनस 4x इनटू 1 ये हो गया 4x. अब क्या करेंगे, सिंबल्स चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस का, ये माइनस का, ये भी हो गया प्लस का, ये हो गया कैंसिल हो जाएगा. यहां से क्या होगा 5x बन जाएगा, ये 5x प्लस 2 ये हो गया. क्लियर हो गया. सेम पैटर्न से क्या करेंगे, 5x को लेंगे इसके साथ, 5x को डिवाइड करेंगे x के साथ, ये बन गया 5. क्या है 5 ही, ये इक्वेशन बन गया 5. यहां पे रखेंगे, देखेंगे प्लस के सिंबल होता है, ये भी प्लस का ही बनेगा 5. अब करें मल्टीप्लाई, 5 * 5x ये हो गया 5x और प्लस इनटू प्लस प्लस ये हो गया 5. प्लस का ये हो गया माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया -3 बन गया. ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर बन गया. ठीक है, ये इसका रिमाइंडर है. आंसर कितना है, आंसर आया है x² -4x + 5, ये इसका आंसर बन गया. इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया. गाइस इस तरीके से क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स विद अनदर पॉलीनोमियल सॉल्व करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. शुक्रिया.